हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो आप यहां पर डिस्प्ले देख रहे हैं, यस फाइनली आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022 का डिटेल्ड अनाउंसमेंट आ चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप इस पीडीएफ को देखेंगे और इंस्टीट्यूट के साइट पर भी ये पूरा अच्छे से समझाकर उन्होंने दे दिया है। वेट वेट वेट, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जीक्यूटिव सीएसईटी फाइनल चल रहा है, वो मुझे मैसेजेस करने लग जा रहे हैं, सर मेरा क्या होगा। पहले तो उनको एक कंफर्ट दे दो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैनिक हो जाता है बच्चों के लिए। जो एग्जिस्टिंग बैच के बच्चे हैं वो अपना एग्जीक्यूटिव एग्जाम कंटिन्यू रख सकते हैं, पर रखना नहीं है जून 24 तक, आप उसके पहले ही आपकी डिग्री भी आ जाएगी। यानी कि जून 2024 में भी कोई बच्चा ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव में अपीयर कर सकता है, फाइनल प्रोफेशनल प्रोग्राम दिसंबर 24 तक दे सकता है। तो पहले इंपॉर्टेंट कंफर्ट लेवल आई वॉन्ट टू प्रोवाइड टू ऑल एग्जिस्टिंग बैच। आज 22 चल रहा है, आप शायद दिसंबर में एग्जाम देने वाले होंगे। नहीं सर, मैं तो 23 में सोच रहा था, पर अब तो न्यू सिलेबस आ गया, मैं क्या करूं। आप आराम से रिवाइज करिए, आपको टेंशन नहीं करना है, बिकॉज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर अपीयरिंग अंडर द आईसीएसआई सिलेबस 2017 इज जून 24 फॉर एग्जीक्यूटिव एंड 2024 दिसंबर फॉर प्रोफेशनल। क्लियर? ये पीडीएफ पेज नंबर 8 में दिया हुआ है, ये जो आप साइट पर भी देखेंगे, और मैं इस लिंक में भी अटैच कर दूंगा। Now, finally, what is the summary of this change? CSET में भी कुछ syllabus के contents में changes आए. It's almost the same. There are some minor changes, but again, जो existing batch के बच्चे हैं वो नहीं घबराएंगे। Eligibility criteria भी इन्होंने lay down कर दिया। 10th pass वाले भी provisional registration के लिए जा सकते हैं। Okay, 200 marks था पहले भी. So all those things they have defined and laid down here. Now, यहां पर हम देखेंगे पहले तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सब पेपर ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है। पहले स्पेक्यूलेशंस आ रहे थे कि क्या होगा। वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, पहले अकाउंट्स और ये एफएम अलग अलग होते थे, अब ये अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिलकर एक 100 मार्क पेपर एंड 100% डिस्क्रिप्टिव। वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज यहां पे अकाउंट्स जैसे सम में आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछकर नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते, दिस इज 100% डिस्क्रिप्टिव। एंड बाकी पेपर्स मैंने एक वीडियो लिंक और भी रिकॉर्ड किया था जब प्रपोज सिलेबस था, एंड ऑलमोस्ट सेम ही बनकर आया है। यहां पर 20% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एंड 80% डिस्क्रिप्टिव इन ऑल दीज अदर पेपर्स। 20-80 का कॉम्बिनेशन है, कहां लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड 80% डिस्क्रिप्टिव एट ऑल पेपर्स। यानी टैक्स भी अब पूरा एमसीक्यू नहीं है, टैक्स जैसा पेपर पूरा एमसीक्यू होना भी नहीं चाहिए था। नाउ इट इज 20% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, ऐसा हम लोग सीए के एग्जाम्स में ऑलरेडी पैटर्न देखते थे, एंड 80% डिस्क्रिप्टिव। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, इससे पास परसेंटेज भी काफी इंप्रूव होने लगेगा, बिकॉज सम स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग 20 में फुल, चाहे उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मार्क्स कम आते होंगे, तो फिर भी अब उनको टोटल स्कोर अपना बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। सब्जेक्ट्स अगर मैं जेन्युइनली पूछा जाए, सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है जो 2017 में है, ऑलमोस्ट सेम है, रीशफलिंग हुआ है, पहले नाम कुछ और था अब नाम कुछ और है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओल्ड सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता था जो फाइनल में ट्रांसफर हो गया, दैट्स अ गुड थिंग, यानी बर्डन थोड़ा कमी हुआ है। तो आई रियली अप्रिशिएट द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द सिलेबस, 20+80 का कॉम्बिनेशन, एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस में 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड। नाउ एंड एक चीज इन्होंने खुद लिखा है, दैट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गिव प्रायोरिटी टू ग्रुप वन व्हाइल अपीयरिंग इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन। ओके, यानी कि पहले कोशिश करना चाहिए कि ग्रुप वन में आप अपीयर करें, फिर ग्रुप टू में, बिकॉज ग्रुप टू, व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक लॉज, कैपिटल मार्केट्स बिना कंपनी के स्ट्रक्चर को समझे हुए आप कैसे समझेंगे। तो इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल टू गिव ग्रुप वन फर्स्ट। वैसे आप दे सकते हैं ग्रुप टू भी, बट मैंने नहीं सुना है, और ऊपर से ग्रुप वन में क्योंकि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ज्यादा है तो पासिंग प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फाइनल प्रोफेशनल प्रोग्राम सिलेबस में एमसीक्यू नहीं रखा इन्होंने, टोटली डिस्क्रिप्टिव इज द पैटर्न। पहले बात चल रहा था कि फाइनल में भी 80-20 का कॉन्सेप्ट होगा, पर यहां नहीं है वैसा। ओके, फाइनल में सब्जेक्ट्स कम हुए हैं, फाइनल में ग्रुप वन में एक इलेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है,
वन आउट ऑफ फोर इलेक्टिव पेपर्स ग्रुप टू में भी इलेक्टिव सिलेक्ट करना है, वन पेपर आउट ऑफ फाइव सिलेक्टिव पेपर्स। एंड सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ फाइनल के भी ऑलमोस्ट सेम है, जो फंडिंग होता था ना फंडिंग, उसका नाम अब कर दिया कॉर्पोरेट फाइनेंस 60 मार्क्स, एंड इसके संग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जोड़ दिया गया है जो इंटर में पहले हुआ करता था। बाकी इफ आई सी एवरीथिंग इज मोर और लेस द सेम, आई डोंट फाइंड मच चेंजेस इन दिस पोर्शन, ऑलमोस्ट सब लग रहा है। कंप्लायंस मैनेजमेंट बोल के जो है इसमें शायद आपको कंपनी लॉ के अंश थोड़े से दिखने को मिलेंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। जो मैंने पहले वीडियो एक महीना पहले अपलोड जो किया था इनका प्रपोज सिलेबस, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इलेक्टिव पेपर्स में इस चार में से आपको एक लेने बोला जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट, CSR, गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इधर पर इलेक्टिव टू में भी कई ऑप्शंस दिया हुआ है। वैसे अगर मुझे पूछा जाए देन आई वुड से अ स्टूडेंट फॉर गो फॉर GST एंड टैक्स प्लानिंग के लिए स्टूडेंट्स को जाना चाहिए नॉलेज के लिए इनकी प्रॉपर ट्यूशंस लेके, या IBC, बट मुझे पर्सनली लगता है दिस इज अ वेरी फर्टाइल एरिया, यहाँ पर बहुत ग्रोथ है। और किसी को बस इजी अगर मैनेज करना है जेन्युइनली थोड़ा बोरिंग पर जिसकी मेमोरी शार्प है, वो लेबर लॉज इन प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। और इन दिस पर्टिकुलर जोन इलेक्टिव वन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर लोग यूजुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेना बेटर होता है, एंड इवन इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट इज अ गुड ऑप्शन। आई एम इन फेवर ऑफ दीज टू, ओके, देन द चॉइस इज योर्स। तो इतना कुछ होने के बाद पहले मैंने आपको बताया कंफर्ट लेवल की ओल्ड सिलेबस वाले एग्जाम्स कब तक कंटिन्यू करेंगे, और ये न्यू सिलेबस के सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न 2080 वाली बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सर आखिर मुझे न्यू सिलेबस में पढ़ना है, एक बच्चा तो आज से ही भावुक हो गया, तो न्यू सिलेबस की रजिस्ट्रेशन डेट को आप नोट कर लीजिए। अभी न्यू सिलेबस की रजिस्ट्रेशन डेट नहीं है, स्टार्टिंग डेट फॉर द न्यू सिलेबस रजिस्ट्रेशन, इन तारीख से न्यू सिलेबस की रजिस्ट्रेशन होगी। यानी कि अभी जो आपका जो भी हो रहा है दैट इज बेसिकली ओल्ड पैटर्न के अनुसार ही चल रहा है। और सर अगर मैं ओल्ड में कुछ पार कर लूं, और कई बच्चा अगर नेगेटिव सोच रहा है, सर अगर मैं पास नहीं हो जाऊं, अगर मैं जून 24 तक भी एग्जीक्यूटिव पास नहीं हूं, या मैं प्रोफेशनल में हूं, मैं दिसंबर 24 तक भी पास ना कर पाऊं, तब मेरा को क्या वापस पूरा नया पढ़ना होगा? तो इन्होंने दिखाया है कि क्या क्या पेपर वाइज एग्जेम्पशन है। सपोज आपका ज्यूरिसप्रूडेंस अब किसके लेवल पे है, एक्चुअली ओल्ड एंड न्यू एग्जीक्यूटिव में कुछ भी चेंज नहीं है, बस अकाउंट्स एंड FM जो अलग अलग आते थे वो अब एक हो गए हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो इन्होंने इक्वेट भी कर दिया कि ओल्ड सिलेबस में अगर आपने ये सब पास कर रखा है तो अभी आपको क्या क्या पेपर नहीं देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इज एग्जेम्पशन। ये PDF 66 पन्ने की है, सर इतना बड़ा क्या दिया इन्होंने इस PDF में? इन्होंने टॉपिक वाइज डिटेल ब्रेकअप जैसे होता है ना बुक के इंडेक्स में दिया रहता है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन, एंड मोर और लेस ऐसा कोई बड़ी रेडिकल चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, पेपर पैटर्न में इन्होंने चेंज किया है, बट कंटेंट इज मोर और लेस द सेम। आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, द इनिशिएटिव्स दे हैव डन एट इंटर लेवल। प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी और बेटर हो सकता था, बट चलिए जितना हुआ उतना ठीक है, एंड वी कैन स्टार्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, नो पैनिक प्लीज, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझा दीजिएगा लोगों को दैट दिस इज वेरी वेरी वाइटल। टेक एन इमेज, एंड जिनके अभी एग्जाम्स हैं वो प्लीज यूट्यूब के प्लेलिस्ट कॉलम पे जाइए, मैंने एक बड़े बड़े मैराथन्स रिसेंटली अपलोड किए हैं, दैट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।